तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का। देखो उसमें क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टार इज 60 डिग्री। बोला टार है, टार के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कि कहाँ का टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप तक का जो ये है एलिवेशन, ये हमारा कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए क्या बोलता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री। बोला कि टार के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है चिमनी के फुट पर, ये बन रहा है 30 डिग्री। और हमें क्या गिवन है कि इफ़ द हाइट ऑफ द टार इज 40 मीटर, और अगर इस टार का हाइट 40 मीटर है तो बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट क्या होगा, ये निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा, बी सी डी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी 90 डिग्री एट सी, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि 10 30 डिग्री रहते हैं ना, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी डी बाय बी सी, सी डी बाय बी सी, ठीक है। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। चलो यहाँ मैंने पुट करा हूँ 1/√3 इज इक्वल टू सी डी। तो सी डी क्या हो गया हमारा, सी डी 40 गिवन है, तो इसके जगह पर मैं 40 डाल दे रहा हूँ अपॉन बी सी, बी सी को मैं बी सी ही रहने देता हूँ। चलो अब यहाँ से बी सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ये यहाँ से बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 40√3। तो चलिए बी सी का लेंथ मुझे निकल गया, ठीक है। अब हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, ए बी सी, इस ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री एट कहाँ होगा, बी पर होगा, तो लिख देता हूँ बी। तो 10 60 ना, 60 डिग्री बन रहा है, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी। चलिए तो 10 60 का वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो 10 60 क्या हो जाएगा हमारा, √3। तो ये लिख दिया √3, और ए बी हमारा कितना है, ए बी को ही एच माना है, चिमनी का हाइट है वो, तो उसको एच रहने देते हैं। बी सी का लेंथ अभी हमारा यहाँ आया है 40√3, तो बी सी की जगह पर मैं 40√3 डाल देता हूँ। अब अगर हम जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, एंड 40 × 3 हो जाएगा, यानी कि 120। तो h इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 120 मीटर। तो यही मुझे निकालने के लिए कहा गया था कि हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट आपके SBC बोर्ड में। तो हाइट ऑफ द चिमनी हो जाएगा हमारा 120 मीटर, तो आप लिख देना कि हैंस द हाइट ऑफ द चिमनी इज़ 120 मीटर। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।